सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेमंत फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, दिस इज जमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप किस तरह से पेटीएम से किसी के मोबाइल नंबर में किस तरह से आप रुपए सेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर आप पेटीएम से किसी के मोबाइल नंबर में रुपए सेंड कर रहे हैं तो याद रखिए कि जिस मोबाइल नंबर में आप सेंड कर रहे हैं उसका भी जो मोबाइल नंबर है उसमें आपका पेटीएम अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई मोबाइल अपने दोस्त को आप सेंड कर रहे हैं किसी मोबाइल नंबर पर, ठीक है, तो उसी मोबाइल नंबर से उस आपके दोस्त का पेटीएम पर अकाउंट होना चाहिए, तभी आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपको रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मैं यहाँ पर पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो देख सकते हैं कि ये ओपन हो गया, ठीक है। अब मुझे पे करना है, ठीक है, तो यहाँ पर पे पर आप क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर सेंड मनी टू एनीवन कुछ भी क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया सेंड मनी टू एनीवन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटर नेम और मोबाइल नंबर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पर मैं अपने दोस्त का मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने मोबाइल नंबर फिल किया तो यहाँ पर मेरे में नंबर सेव है तो यहाँ पर आ गया, तो मैं प्रोसीड पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नाम लिख किया गया और जो भी यहाँ पर बैंक उससे कनेक्ट है वो यहाँ पर बैंक का नाम भी लिख किया गया। अब जितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो उतना अमाउंट यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। जैसे कि मैं 1500 ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने 1500 कर दिया और यहाँ पर पे यहाँ पर दिया हुआ है, पे 1500 पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर UPI पिन मांगेगा तो यहाँ पर UPI पिन को फिल कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अपना UPI पिन फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने अपना UPI पिन फिल कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1500 नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने आज काफ़ी ट्रांजेक्शन कर दिया है, इसलिए मैंने 500 रुपये यहाँ पर ट्रांसफ़र करके देखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 500 रुपये ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर किसी के मोबाइल नंबर में अगर आप पेटीएम से रुपये ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको उसका अकाउंट नंबर या अदर डिटेल्स लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपको उसका पेटीएम नंबर ले लेना है, ठीक है, मोबाइल नंबर ले लेना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर उसके मोबाइल नंबर पर रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं पेटीएम से। तो वही आपको वीडियो पसंद आओ, अगर आपको वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।